लेके मैं अब बोर फीडिंग के बारे में बताता हूँ। एक फेज है, फेज हर हर स्विच में देना चाहिए और वो भी हर नीचे की तरफ। हमने एक फेज लिया और ये यहाँ से हर स्विच में दे दिया। अब यही फेज हमने नीचे के स्विच में भी दिया और नीचे के स्विच में इस स्विच में भी दिया। इंडिकेटर में डायरेक्ट फेज नहीं जाता, वो स्विच से इंडिकेटर में जाता है और न्यूट्रल इधर से जाता है फैन के लिए। ये सॉकेट है, सॉकेट में फ्यूज एक तरफ फ्यूज रहता है, एक तरफ न्यूट्रल रहता है और अर्थिंग भी सॉकेट में रहता है। हमने ये इस स्विच में ए बल्ब लगाया है, इस न्यूट्रल इस बल्ब में ऊपर से डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं। तो इस ए बल्ब इस स्विच से लगेगा, इस स्विच से ए बल्ब लगेगा और इस स्विच से ए बल्ब लगेगा। फैन को भी हमने डायरेक्ट ऊपर से न्यूट्रल दे दिया है और सॉकेट के लिए न्यूट्रल की जरूरत रहती है तो हमने डायरेक्ट नीचे से इसको न्यूट्रल दे दिया है। इसको अर्थिंग की जरूरत है तो हमने ये अर्थिंग इस तरह से अर्थिंग बना दिए और हमने ये कनेक्शन कर दिया। ये स्विच रेगुलेटर से कनेक्टेड है और ये रेगुलेटर से हम फैन के जो स्पीड रहती है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से चालू बंद भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट और यहाँ से स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं।